नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आई दिखता है कुछ खास खबर। छापे में 24 करोड़ की नकदी, आभूषण जब्त। परिवर्तन निषेधालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में छापा मारकर लगभग 4 करोड़ रुपए की नकदी और जेवर बरामद किए हैं। बता दें कि बीते दिन में ईडी ने राज्य के रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा समेत अन्य जिलों में जिलाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता व राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष अग्निचंद्रकार के परिसरों में छापा मारे थे। यह कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बरामद धनराशि सरकारी अधिकारियों और निजी संस्थाओं दोनों में बरामद की गई थी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ और ट्रांसपोर्टर से कुछ व्यवसायी और कुछ लोगों द्वारा धन शोधन की जांच से संबंधित है। इसे पहले सितंबर में आयकर विभाग ने राज्य में छापा मारा था। फेसबुक यूजर्स ने खो दिए हैं फॉलोवर्स। जुकरबर्ग ने भी 11.9 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स कम हुए। नई दिल्ली, मेटा और की ओर से संचालित फेसबुक के कई उपयोगकर्ता ने अपने अधिकांश फॉलोवर्स खोने की शिकायत की है। मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यालय पर अधिकारी सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 11.9 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स खो दिए हैं, जिससे उनके फॉलोवर्स की संख्या 10,000 से कम हो गई। निस्वार्थ बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस संबंध में ट्वीट किया कि फेसबुक ने एक सुनामी पैदा की जिसने मेरा लगभग 9,00,000 फॉलोवर्स को ख़त्म कर दिया और किनारे पर सिर्फ 9,000 बच गए। मुझे फेसबुक की कॉमेडी पसंद है। मेटा के प्रवर्तन ने इस बार में कहा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलोवर्स की संख्या में विसंगति देख रहे हैं। हम चीज़ों को जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं। असुविधा के लिए हमें खेद है। फर्जी दस्तावेजों से कोविड केंद्रों का ठेका लिया, वसूली 38 करोड़ रुपए। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान लापरवाही से मौत और जम्बो केंद्र के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में दस्तपल अस्पताल प्रबंधन कर फॉर्म के खिलाफ जांच मुंबई पुलिस ने अपराध शाखा के सौंप दी है। मामले पे जांच अब तक पुलिस कर रही थी, जिसने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के शिकायत पर फॉर्म और उससे जुड़े 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार जून 2020 में अस्पताल प्रबंधक फॉर्म में भागीदारों ने बीएमएसआई को एक फर्जी साझेदार दस्तावेज प्रस्तुत किया था और एनएसईएल वर्ली, मुंडल, दहसार, पुणे और मुंबई तथा जम्बो कोविड-19 केंद्रों के लिए अनुबंधन प्राप्त करने के लिए, जबकि उसके चिकित्सा क्षेत्र के कोई भी अनुभव नहीं था। फॉर्म में इन केंद्रों के बिल बीएमएसआई के जमा किए और 38 करोड़ रुपए वसूले। प्राथमिकी के मुताबिक अपने निजी फायदे के लिए इन लोगों ने सरकारी मशीनरी और आम नागरिकों को भी ठगा। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज जियो ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsjio.com पर। फिलहाल वक्त चला है दोस्तों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।